अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से मेरी रिपोर्ट मैच कर सकते हो, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं शुरू। तो ये मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है 15 नवंबर 2023 की, जो मेरा 3 मंथ चल रहा था और फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था। तो इसमें जो बेबी का पोजीशन थी वो कुछ इस प्रकार से थी, आप देख सकते हैं ये बेबी की पोजीशन थी। और इसमें अच्छे से बेबी का मुंह दिखा रखा है, ये देखिए। और इसमें जो बीपीडी थी वो 21.6 mm थी और CRL थी 59.09 mm और जो हार्ट रेट थी 151 पर मिनट। और जो डिलीवरी डेट थी इसमें वो 22 मई 2024 को थी और जो प्रेगनेंसी का टाइम था वो 13 वीक 4 डे का था और इसमें 1 वीक प्लस और माइनस भी हो सकता है। और जो मेरा प्लेसेंटा था वो एंटेरियर था और प्लेसेंटा जो था वो लो लेयर था और जो एमनियोटिक फ्लोर था यानी कि मेरे गर्भाशय में जो द्रव की मात्रा थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। यह है मेरी प्रेगनेंसी की फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और आप अपनी रिपोर्ट से मैच कर सकते हैं इसे और देख सकते हैं। और जो मेरी बेबी के फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जो हार्ट रेट थी वो 151 पर मिनट थी। और आप भी अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मिला सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना सेकंड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, ये था फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और ये है सेकंड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। ये मैंने कराया था 14 जनवरी 2024 को, ये 14 जनवरी को करवाया था मैंने जो सेकंड वाला है। और इसमें जो है बेबी की रीढ़ की हड्डी भी दिखा रखी है। तो कई बार बोला जाता है यदि रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी होती है तो बेबी बॉय होता है, यदि रीढ़ की हड्डी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है तो बेबी गर्ल होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये जो रीढ़ की हड्डी है ये यहाँ से थोड़ी टेढ़ी हो रखी है तो मुझे बेबी गर्ल हुई थी, ये भी आप देख सकते हैं। और इसमें जो है बेबी के पैर भी दिखा रखे हैं, ये देखिए इसमें पूरा साफ साफ दिख रहा है। और ये देखिए बेबी का मुंह है, इसमें बेबी का हैंड दिखा रखा है, ये देखिए। जो सेकंड अल्ट्रासाउंड होता है वो कलरफुल वाला होता है, ये देखिए इसमें बेबी का मुंह पूरा साफ साफ दिख रहा है। और इसमें सारी चीज़ों के बारे में दिया होता है, हेड के बारे में, स्पिन के बारे में, निक के बारे में, फेस के बारे में, थोरेक्स के बारे में, निम्बस के बारे में, यानी कि इसमें जो सेकंड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होता है इसमें सारी चीज़ें पता लगा ली जा सकती है कि आपको आपके बेबी को कोई बीमारी तो नहीं है या बेबी के किसी अंग में कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें सारी चीज़ें दिखाई जाती है। इसमें जो बीपीडी था वो 4.91 सेंटीमीटर था और FL था 3.45 सेंटीमीटर और AC था 15.36 सेंटीमीटर और AC था 18.06 सेंटीमीटर। तो इसमें जो डिलीवरी डेट आई थी वो आई थी 17/24 को। इसमें जो बच्चे का वजन और है और इसमें सारी चीज़ें दी होती है बेबी के हेड के बारे में, स्किन के बारे में, निक के बारे में, फेस के बारे में, थोरेक्स के बारे में, ये सारी चीज़ें आप सेकंड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पता लगा सकते हैं। और जो सेकंड रिपोर्ट्स में बेबी की जो हार्ट रेट थी वो आप देख सकते हैं 140 BPM यानी कि 140 पर मिनट थी। और कई बार तो लोग बोलते हैं ये आपके बेबी की हार्ट रेट 140 BPM से कम हो तो आपको बेबी बॉय होगा, यदि 140 से ज़्यादा हो तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो आप हार्ट रेट से पता नहीं कर सकते
कि आपको बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगी, क्योंकि मेरी बेबी गर्ल है तो मेरा जो